प्रोपोगंडा ये फिल्म है या वो लोग जो जानबूझकर उंगली उठा रहे हैं वो एक प्रोपोगंडा के तहत करें। इसके बाद आ रही हूँ शायना जी। अशोक जी, अंजना जी, मैं पॉलिटिकल तूतू में नहीं पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो, चाहे वो एक्स कांग्रेस लीडर हो या प्रेजेंट शिवसेना लीडर हो या बीजेपी की लीडर हो, मैं एज अ फिल्म मेकर और एज अ सिटीजन कंट्री आपके सामने कुछ चीज रखना चाहता हूं। कश्मीर फाइल्स के बारे में कहा गया अभी आपके इस प्रोग्राम में कि हर आदमी को हक है बोलने का कि यह फिल्म गलत है कि सही है, और उससे कश्मीरी पंडितों का हाथ नहीं पहुंचेगा। यह बहुत ही अजीब सा आर्ग्यूमेंट है अंजना जी। इस फेस्टिवल में यह फिल्म दिखाई गई, आप वो फिल्म की टेक्निकलिटीज पे बात करिए ना, आप यह कहते हैं कि यह फिल्म वल्गर है, वल्गर। एब्सोल्युटली, यह फिल्म किसके बारे में, क्या डिपिक्ट कर रही है फिल्म? ये फिल्म डिपिक्ट कर रही है हमारे जेनोसाइड को, हमारे इथनिक क्लिनिजिंग को, Absolutely. और हमारे हमारे एग्जोडस को। ये फिल्म किसको डिफाइन कर रही है? ये हमारे एग्जोडस, हमारे जेनोसाइड को डिपिक्ट कर रही है, और आप उसको वल्गर कह रहे हैं? अरविंद केजरीवाल हंसा इसके ऊपर, सारे जो कांग्रेस लीडर्स हंसे, आज सपोर्ट कौन कर रहा है इनको? जिस शख्स ने, जिस जूरी के चेयरमैन ने हमारा मजाक उड़ाया, आज भद्दा मजाक उड़ाया, इसका इसका सपोर्ट कौन कर रहा है? यही के पॉलिटिकल लीडर सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो आप इसको कश्मीरी पंडित के इश्यू से अलग कैसे कर सकते हैं? तो मैं इस चेयरमैन, इस जूरी के चेयरमैन के भद्दे मजाक को कश्मीरी पंडितों के तरफ से, और एज अ फिल्म मेकर मैं इसको कंडेम करता हूं। ये एक इकोसिस्टम है, ये कोई सरियल नहीं है, ये कोई नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं है। इस आदमी के पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है जो हर वक्त हमारे देश में भी दुश्मन है, हमारे देश के खिलाफ जो बात करते हैं और जो इस किस्म की धारणाएं फैलाते हैं। इस आदमी का इस्तेमाल किया गया, और यह आदमी जो मंच पे, हिंदुस्तान के फेस्टिवल के मंच पे हिंदुस्तान का मजाक उड़ा के हमारी एग्जोडस को, हमारे जोनोसाइड को भद्दा मजाक उड़ा के वो निकल गया। अब दूसरा पहलू इसका अंजना जी, इसका दूसरा पहलू ये है कि आप ये अंजना जी आप कश्मीर फाइल्स को, आप कश्मीर फाइल्स को किसी और फिल्म के साथ कंपेयर मत करिए, क्योंकि कश्मीर फाइल्स इज ट्रू डिपिक्शन ऑफ व्हाट हैपेंड इन टू कश्मीरी पंडित्स। I can vouch for it. आप मेरी डॉक्यूमेंट्री देख लीजिए, एंड द वर्ल्ड रिमेन साइलेंट, ठीक वही रूबरू वही है, रिसर्च किया गया है। आपको फिल्म अच्छी नहीं लगी, आपको लगता है फिल्म गलत है, आप दूसरी फिल्म बनाइए। आप मेरे 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 जोनोसाइड का मजाक कैसे उड़ा सकते हैं? दूसरा पहलू अंजना जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चेयरमैन को, इस जूरी का चेयरमैन किसने बनाया? क्या इसके बारे में पता लगाया था? क्या इसके बारे में रिसर्च किया गया था? क्या पता चला था कि ये पैलेस्टाइन का सपोर्टर है? क्या इसके पुरानी चीजें चेक की गई थी? तो मैं इस चीज का दोषी डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल को भी मानता हूं। रिसर्च R&D, आपने एक ऐसे बंदे को बिठाया वहां पे। थैंक यू सो मच दीपिका राजावत। आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी को एक फिल्म पर क्यों बात करनी है, एक फिल्म को क्यों प्रोपेगेंडा बताना है? वो फिल्म है कई कश्मीरी पंडितों के लिए, ज्यादातर कश्मीरी पंडित जिनसे मैं मिली हूँ उनके लिए उनका कथार्सिस है वो फिल्म। वो अब अलग अलग शहरों में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, उन्हें अब वापस घाटी में नहीं जाना है, वो नौकरियां कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए ये फिल्म एक कथार्सिस है। मतलब हिंदी में अगर हम बोले तो उनके लिए एक इंसाफ का एहसास है। उस फिल्म पर क्यों उंगली उठाना है? और अगर एक विदेशी उस पर उंगली उठाता है तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी के नेता ताली बजा रहे हैं। अंजना जी, मैं दीपिका पुष्कर नाथ हूँ और मैं एक कश्मीरी पंडित हूँ, राइट? मैं एक कश्मीरी पंडित हूँ, कश्मीर से, कश्मीर को बिलोंग करती हूँ। 90s में जब कश्मीरी पंडित की माइग्रेशन हुई थी, मैं उस समय इतनी बड़ी तो थी कि सब कुछ समझ सकती थी, और आज की डेट में भी मुझे याद है कि कश्मीरी पंडितों को क्या हुआ, कश्मीरी पंडितों के साथ क्या क्या हुआ।
मैं प्रियंका जी के साथ इत्तेफाक रखती हूँ। प्रियंका जी ने वो सब बातें अभी बोली हैं जो मैं इस शो पे बोलना चाहती हूँ। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट प्रियंका जी, यू हैव स्पोकन एब्सोल्यूटली ऑल व्हाट आई वांटेड टू स्पीक ऑन दिस शो। कश्मीरी पंडित सिर्फ सफर, कश्मीरी पंडितों ने बहुत सफर किया है, बहुत फेस किया है,